नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और जीएन भारत आपका स्वागत करती है। मैं आज आपको झारखंड के तीन आदिम जनजातियों से रूबरू करवाने जा रही हूँ। ये तीन अपनी भाषा में व्याकरण की रचना कर रहे हैं, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम फुलेश्वर बिरजा है, ग्राम तुसर कुना, पोस्ट मरवे, थाना बिशनपुर, जिला गुमला के रहने वाले हूँ। और जो हमारे जो बगल में बैठे हैं, ये उनका नाम विलियम ब्रिज है और इनका गांव है ग्राम बेती। और जो बगल के खड़े हैं वो जुमन ब्रिज है, वो मेरा ही गांव का ही है। और हम लोग तीनों भाषा के ब्रिजा भाषा बोलने वाले लोग हैं। पढ़ाई कहाँ से की? मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन तक हुई है और मैं यहीं रांची में रामलखन कॉलेज से किया हूँ। और अभी ऐसा बेरोजगार में हूँ, कोई ऐसे काम तो नहीं है, लेकिन जब हमें एक आप लोग के माध्यम से मुझे यहाँ पर सरकार तक बातों को पहुँचाने के लिए आपने हमें बुलाया, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। भाषा में व्याकरण की रचना करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे और कब? जी, मैं बता रहा हूँ, प्रेरणा जब मुझको मिला, जब मैं किसी दूसरे का जो किताब को देखता था, पढ़ता था, तो मन में ये लग रहा था कि हमारे भाषा में भी एक ब्रिजा भाषा में भी व्याकरण किताब होना चाहिए, ताकि ये जब हम ऐसे बात तो कर लेते हैं, ब्रिजा भाषा तो बोल ही लेते हैं, लेकिन वो एक लिखावट में अभी तक नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि हमारे भाषा में एक व्याकरण लिखित रूप से होना चाहिए और एक किताब भी होना चाहिए था, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन आज वो सपना जरूर साकार हुआ है, पूरा हुआ है। और ये जो है एक हमारे एक रानिंदर सर हैं, जो पहले कुछ साल पहले विष्णुपुर प्रखंड में वीडियो हुआ करते थे एक समय में, तो वो हमें हमारा स्थिति को देखा है, जानता है। आज वो एक रामदेवरा मुंडा शोध संस्थान में डायरेक्टर साहब बने हैं। उनके मार्फत से, उनके मार्गदर्शन से हमें आज ये ब्रिजा भाषा बोलने वालों के लिए एक प्रेरणा हमें दिया है कि आपका भाषा में एक व्याकरण बनना है, किताब बनना है, जो 0 से लेकर 8वीं क्लास तक का बुक बनना है, किताब बनना है, लोकर के बोले हैं हमें। और काफ़ी हम लोग भी खुश हैं कि ये पहली बार ये किताब जो बन रहा है और लिखावटी रूप में लिखा जा रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो आपने ब्रजा भाषा कब से सीखी और अपनी भाषा में कुछ संगीत के माध्यम से गाकर बताएं? देखिए, ये ब्रजा भाषा तो हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा मेरे पास है, जब हम सीखते हैं तो ये तो बहुत पुराना पुरखाओं की कथा है, इसीलिए मैं बहुत पहले से भाषा तो जानता हूँ। और मैं आपको एक ब्रिजा भाषा में आपको संगीत के माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारी भाषा में हम कैसे गीत गाते हैं, ये है तो क्या है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। कि जब हमारे गांव में, जब समाज में एक पर्व होता है जो सरूल पर्व होता है, वो उसमें हमारे पूरे समाज के लोग एक मिल करके गीतों को गाते हैं, तो मैं उसको आपके सामने में सुनाना चाहता हूँ। ब्रिजा भाषा में सरूल राग में है, बहुड़िया दो अगुया चितांते असोलिया सुतियाते इदिया उल जोंते, बहुड़िया दो अगुया चितांते असोलिया सुतियाते इदिया घुई जोंते, है बहुड़िया दो अगुया चितांते असूलिया सुतियाते इदिया फूल जोंते, है बहुड़िया दो अगुया चितांते असूलिया पहाड़ते इदिया घुई जोंते। जो अभी जो मैं आपको गीत जब गा के सुनाया, तो उसका अर्थ मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक जब गांव में एक नया बहू हम लेके आते हैं, तो एक गांव में सोचना पड़ जाता है कि इनको कैसा पालन पोषण करेंगे, है ना। तो वो जब उनको जब नया बहू लेके आते हैं, तो गांव में जिस घर में
तो उनके बाद दोनों पति पत्नी दोनों पति पत्नी चले जाते हैं वो नदी किनारे, और वहाँ एक आम का बगीचा देखते हैं। तो जब आम फला हुआ रहता है तो उनको जब भूख लग रही होती है पत्नी को, तब उस समय में उनका पति बोलता है कि चलो इसको आम में गिरा देता हूँ। आप इसे तो सरकार आप लोगों की विकास के लिए काफी खर्च कर रही है, करोड़ों खर्च कर रही है, तो क्या आप लोग सब इससे संतुष्ट हैं? जी मैं इसे संतुष्ट तो थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन पूरे मन से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सरकार जब घोषणा करते हैं लाखों करोड़ रुपया आदिम जनजाति के लिए, मैं विकास के लिए मैं पानी की तरह बहाया दिया हूँ करके बोलता है, वो सिर्फ कागज पत्र में रह जाता है और कागज कलम में सिमट के रह जाता है। हमें कुछ ऐसा विकास गांव में नजर नहीं आता है, क्योंकि वो विकास जब जिसको आदिम जनजाति के हाथ में जाए तो तभी विकास हो पाएगा, और क्योंकि वो जो विकास करोड़ों के पैसा जो बिचौली के हाथ में चले जाता है, इसीलिए वो सही लोगों के तक सही गांव के चूल्हे तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए हमारे समाज के लोग बहुत थोड़ा सा असंतुष्ट है, थोड़ा सा उनको संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक युवक होने के नाते से मैं देखता हूँ कि समाज में अभी भी कई तरह की समस्या गांव में है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो उनको उसके जो कुछ भी जैसा भी करे सरकार, लेकिन उस सही आदमी को दे तो विकास हो सकता है। ये तो प्रखंड में भी इतना सही से कोई लोग हमारे आदिम जनजाति के लोग जाते हैं तो सही से वहाँ पे स्कीम भी नहीं मिल पाता है, या तो कुछ भी योजना भी हो उसको सही से नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आप उन्हें जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनको आप चिन्हित करके आप उनके गांव का विकास देखें करें, तो हमारे लिए हमारे समाज के लिए और बढ़िया होगा। तो आदिम जनजातियों की संख्या घट रही है, तो इसके संरक्षण के लिए भी सरकार क्या कर रही है? देखिए आदिम जनजाति की घटने घट रहा है उसके बारे में तो मैं ऐसा ज़्यादा विस्तार तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन भी मैं ये कहूँगा कि हमारे आदिम जनजाति लोग जबकि सरकार की रिकॉर्ड में होता है तो वहाँ पर दर्ज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनके आंकड़ा में कमी भी आता है, उनको आंकड़ा सही से नहीं मिल पाता है। और क्योंकि हमारे आदिम जनजाति घटने का वजह है कि उनको एक सही से अगर सरकार देखे उनको पूरा करे, उनका जरूरत पूरा करे तो हो सकता है वो आगे आ सकते हैं, वृद्धि हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनको एक तो मुख्य धारा से हमारे आदिम जनजाति लोग कोई गांव से बाहर चले जाते हैं तो कोई अपने खाने पीने के लिए चले जाते हैं, इसके कारण से सरकार के आंकड़ा में वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण से सरकार तक वो उनके उनके नज़र में कि हमारे आदिम जनजाति घट रही है बोल के बोलते हैं, और थोड़ा सा हमारे आदिम जनजाति के लोग जो है थोड़ा नशा कम करे तो हो सकता है वो आगे बढ़ सकते हैं, और नशा जब करते हैं तो लोग अपना जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं, नाश हो जाते, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे आदिम जनजाति के भाई बहनों से आग्रह है कि आप थोड़ा सा खान पान में यानी कि जो नशीला चीज से आप थोड़ा दूर रहें और अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए एक अच्छा मार्ग दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमारे आदिम जनजाति के भाई लोग जितने भी पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो बीए किए हैं, सरकार हमें आरक्षण रखे जो 2% रखा है उसे और भी बढ़ाए ताकि हमें भी उस लाभ हम पा सके। और मैं तो यही मांग करूँगा जो सरकार ने प्रावधान किया है जो बीएड किया है, जो ग्रेजुएशन किया है, जो मैट्रिक किया है, उनके लिए सीधी नियुक्ति का भी प्रावधान किया है, इसको सरकार बचा के रखे और हमें जो बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, उस व्यक्ति को चिन्हित करके उनको नौकरी का भी प्रावधान। जीएन भारत को आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैम, और सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जीएन भारत जो चैनल जो चला रहे हैं, ये जो हमारे एक एक कुछ भी दबे हुए लोगों के लिए चैनल है, और ये जो उनका बात सरकार तक पहुँचे और सरकार उसका उस पर ध्यान दे और समाधान करे, इसके लिए चैनल लागू है। और मैं आपको दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि जब हम गांव से जो छिप कर रहते हैं, जो जंगल और पहाड़ के बीच में हम निवास करते हैं, काफ़ी इस तरह का मौका हमें नहीं मिलता है ताकि हम बात करें, सरकार से बात करें और हमारा बात सरकार तक पहुंचे, और आज हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है, खुश लगा सर आप लोग का चैनल के माध्यम से हमारा बात सरकार तक पहुंचेगी तो जरूर समाधान हो पाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।